हेलो एवरीवन, भारतीय नौसैनिकों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई और जिसके बाद यहां पर यह मुद्दा काफी चर्चा का विषय है। आज हम यहां पर इस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे कि क्यों यहां पर भारतीय नौसैनिकों को यहां पर फांसी दी गई है, जिसको लेकर के ये केस पूरी तरीके से भी मिस्ट्री बना हुआ है। ये भी नहीं पता कि आरोप क्या लगाए गए हैं और इतनी त्वरित कार्रवाई कैसे यहां पर की गई है। भारतीय नौसैनिकों को बचाने को लेकर भारत सरकार के पास क्या उपाय हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके के नियम हैं, इस परिस्थितियों में क्या भारतीय नौसैनिकों के पास यहां पर मौका है बचाने को लेकर के, इसके साथ साथ कि क्या यहां पर इससे पहले भी कोई केसेस रहे हैं जिसके माध्यम से यहां पर कोई उदाहरण बचा हुआ है जिससे भारतीय नौसैनिकों को बचाया जा सकता है, इन सभी मुद्दों को, इन सभी प्रश्नों को आज हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले घटना पर नजर डालते हैं, यह घटना शुरू कैसे हुई और इस वर्तमान स्थिति तक ये पहुंचती कैसी है और इसके साथ साथ ये आगे किस तरीके से इसे देखा जाना चाहिए, अर्थात भारत सरकार के पास यहाँ पे क्या क्या विकल्प होंगे, उसे कैसे बचाया जा सकता है, इस पूरी कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले अगर हम नजर डालें ये घटना शुरू कब से होती है, तो 423 दिनों पहले देखा जाए तो हिरासत से यहाँ पर मृत्यु दंड की एक पूरी कहानी आपको देखने को मिलती है और ये कहानी आज की नहीं है, अभी की नहीं है, ये 2022 की कहानी है। शुरू होती है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 30 अगस्त 2022 को देखा जाए तो रात में यहां पर कतर में भारतीय नौसैनिकों को, जो कि ये देखा जाए तो देखिए वर्तमान समय में ये नौसैनिक के रूप में कार्यरत नहीं है, ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो 8 यहां पर भारतीय नौसैनिक हैं। कतर के इंटेलिजेंस अफसरों के द्वारा इन्हें यहां पर गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो कहानी ये 30 अगस्त 2022 को देखा जाए तो शुरू होती है। उसके बाद देखें तो 30 सितंबर को पहली बार इन अफसरों को उनके परिजनों से बात कराई गई थी और एक महीने देखा जाए तो इस एक महीने में भारत की एम्बेसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, जो सबसे बड़ी एक मिस्ट्री यहां पर बनी, अर्थात गिरफ्तारी के बाद भी पूरे एक महीने तक किसी भी तरीके की कोई जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की गई कतर सरकार के द्वारा, उनके लिए इंटेलिजेंस के द्वारा, ना तो भारतीय एम्बेसी से, ना ही उनके परिवारों से। तो एक सबसे बड़ी मिस्ट्री, अगर गिरफ्तार की गई थी तो आपको तुरंत इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई है। दूसरा, यहां पर देखें 30 सितंबर को पहली बार इन अफसरों के परिजनों को बात बताई गई और एम्बेसी को उसके साथ ही साथ यहां पर अभी तक कुछ नहीं बताया गया था। आता है 1 अक्टूबर के दिन, यहां पर देखा जाए तो पहला काउंसलेट एक्सेस यहां पर दिया गया। काउंसलेट एक्सेस का मतलब है कि जो एम्बेसी होती है और उनको यहां पर इनसे मिलने का एक एक्सेस दिया गया, उनसे बातचीत करने का एक मौका यहां पर पहली बार दिया गया, अर्थात 30 अगस्त के बाद जो पहली बार काउंसलेट एक्सेस मिलता है वो 1 अक्टूबर को मिलता है। इसके बाद भारत सरकार को यह पता चलता है कि जो यहाँ पर भारतीय नौसैनिकों को जो रखा गया है वो एक तरीके के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, अर्थात कि सबसे अलग यहाँ पर एक कोठरी के रूप में यहाँ पर उनको रखा गया है, जिसे हम कहते हैं कई बार तन्हाई की कैद में उन्हें रखा गया था, अर्थात सबसे अलग। मार्च 2023 में देखें तो सभी पूर्व अफसरों की जमानत याचिकाओं को खारिज किया गया और आरोप तय किए गए और आरोपों को लेकिन किसी भी तरीके के सार्वजनिक नहीं किया गया। तो यहां पर देखे जाए तो 5 से 6 महीने में ही सारी घटनाएं पूरी तरीके से तय हो जाती हैं, किसी कुछ बताया नहीं जाता, आरोप सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं और केसेस यहां पर चलाए जाने की बात शुरू हो जाती है और इसकी कोई जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नियमों के तहत नहीं दी गई है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो आता है 29 मार्च को, कतर के कानून के तहत मुकदमा शुरू हो जाता है और 3 अक्टूबर को यहां पर 7 दौर की पूरी सुनवाई हो चुकी होती है और फाइनली यहां पर आप देख सकते हैं कि 26 अक्टूबर को यह फैसला आता है कि 2023 की कतर की कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने मौत की सजा इनको सुना दी। तो इस तरीके से पूरी जो घटना है 423 दिनों की यहां पर यह पूरी घटना है, जिस तरीके से यहां पर वर्तमान समय में ये हम देखने को मिलते हैं। अब कहानी देखिए, ये तो हो गया पूरा मामला जो चर्चा का यहां पर विषय बनता है। अब समझते हैं कि किन वजहों से देखा जाए अभी तक इस केस को एक मिस्ट्री केस कहा जा रहा है, तो इसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण अगर हम देखें, देखिए पहली जो वजह यहां पर आपको बताई गई, जो पूरा एक मामला था, ये नौसैनिक जहां काम कर रहे थे वहां पर उस कंपनी को लेकर भी एक यहां पर एक्सेस की बात की गई कि एक मौत की सजा पाए सभी 8 पूर्व नेवी जो सैनिक थे, ये काम करते थे दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में, यहां पर ये काम कर रहे थे। इस कंपनी के जो मालिक थे वो ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमिस अल अजमी हैं, उन्हें भी यहां पर देखा जाए तो गिरफ्तार किया गया था लेकिन नवंबर में देखा जाए तो उन्हें छोड़ दिया गया और वो ओमान वापस लौट जाते हैं। इसके बाद दूसरी जो घटना इसमें आती है कि दाहरा ग्लोबल वेबसाइट पर देखा जाए जो कंपनी है के सीनियर अधिकारियों उनके पद की पूरी जानकारी दी गई है लेकिन जो 8 भारतीयों की गिरफ्तारी के बाद से देखा जाए तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई यहां पर जानकारी न देकर उस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। उसके बाद नई वेबसाइट बनाई गई और इस नई वेबसाइट में अगर हम देखें जो पुरानी वेबसाइट से अलग है, इसमें ना तो कतर नेवी से कोई कनेक्शन इसमें दिखाया गया और ना ही नेवी के पूर्व अफसरों का जिक्र है जो कंपनी के लीडरशिप रोल में यहां पर हुआ करते थे, उनके बारे में कोई जानकारी इसमें शामिल नहीं की गई।
तीसरी जो बात यहां पर देखने को मिलती है कि भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी एक महीने के बाद भारतीय अथॉरिटी को खबर नहीं दी गई थी, आरोपों को न तय किया गया था, ना ही कतर अथॉरिटी ने इनको सार्वजनिक किया, ना ही भारतीय सरकार को इसके बारे में बताया, ना कॉन्सुलेट यहां पर एक्सेस दी गई, जैसे अभी हमने पूरी घटना को देखा। और इस तरीके से विदेश मंत्री ने यहां पर कहते हैं, भारतीय विदेश मंत्री कहते हैं कि देखा जाए तो एक तरीके से बेहद संवेदनशील मामला है और इसे यहां पर बेहतर तरीके से निपटा जाना चाहिए। आधी रात को देखा कि गिरफ्तारी, आरोप पर चुप्पी, सीक्रेट ट्रायल, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और मौत की सजा, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि इस पूरे मुद्दे पर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं कि आखिर यहां पर कतर सरकार करना क्या चाह रही है, ये क्यों यहां पर जानकारी नहीं दे रही है और किस तरीके से यह पूरा मामला वहां पर एक मिस्ट्री बना हुआ है। आइए देखते हैं अब इसके आगे के मुद्दे को लेकर के। अब देखिए यहां पे आता है कि क्या कतर सरकार के द्वारा अंतरराष्ट्रीय नियमों को यहां पर दरकिनार किया जा रहा है, इस मुद्दे को समझते हैं। क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय नियम इस बारे में? देखिए अंतरराष्ट्रीय नियमों को अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र का एक वियना कन्वेंशन है और इस वियना कन्वेंशन के मुताबिक अगर हम देखें, जब भी किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो मेजबान देश के अधिकारियों के इस बारे में, व्यक्ति के दूतावास अधिकारियों को इसके बारे में पूरी एक जानकारी बताई जाती है। तो यह सीधा सा यहां पर एक सिंपल सा रूल है जिसको यहां पर तोड़ा है कतर सरकार के द्वारा। 1998 कतर ने भी एक कन्वेंशन स्वीकार किया है लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पर उसे अमल में नहीं लाता है। तो एक अंतरराष्ट्रीय नियमों का देखा जाए तो यह सीधा सा एक उल्लंघन करते हुए देखा जा रहा है। कतर में देखें तो वर्तमान समय ज्यादातर प्रवासी जो मजदूर हैं वो भारतीय हैं और गिरफ्तारी के बाद उन्हें अपनी भाषा में बोलने वाले वकील तक यहां पर मुहैया नहीं कराए जाते हैं। अपराधी उन्हें घोषित कर दिया जाता है, दोषी होने के बाद आदेश की समीक्षा प्रक्रिया के बगैर उन्हें सीधे सजा दे दी जाती है, जो कि कतर का एक कानूनी जो प्रक्रिया है वो अपने आप यहां पर क्वेश्चनेबल है। कतर के कानून के मुताबिक सिर्फ कतरी लॉयर के ही बचाव के पक्ष को यहां पर एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए विदेशी नागरिक अपने देश के वकील हायर नहीं कर सकते हैं जो उनकी भाषा समझते हैं और उनकी परिस्थितियों के मुताबिक यहां पर बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। और ये मामला भारतीय नौसैनिकों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। इसके साथ डेथ पेनाल्टी एक्सपर्ट यहां पर बताते हैं, डेनियल पास्को कहते हैं कि खाड़ी देशों के अगर हम वर्तमान जो स्थिति है वो दुनिया की सबसे गुप्त और तेजी से मौत की सजा देने वाली न्यायपालिका के तौर पे देखा जाता है। यहां डेथ पेनाल्टी के ऑपरेशन की आधिकारिक जानकारी का पता लगा पाना भी एक तरीके से असंभव है क्योंकि कई सारे केसेस में पता ही नहीं चलता कि मामला कब पूरा हो गया, कब मौत की सजा दी गई और कब उन्हें यहां पर मौत किया था, फांसी या जो भी यहां पर सजा दी गई है वो पूरी कर दी जाए। कतर में मौत की सजा गोली मारकर या फांसी देकर दी जाती है। डेथ पेनाल्टी वाले क्राइम में मर्डर, टेररिज्म, रेप, ड्रग ट्रैफिकिंग, जासूसी शामिल हैं, जिन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है और दोहा के सेंट्रल जेल में उन्हें रखा जाता है। तो यह पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम है उसका यहां पर एक उल्लंघन करते हुए कतर को देखा जाता है, वियना कन्वेंशन का यहां पर उल्लंघन है। अब बात करते हैं कि क्या भारतीय जो नौसैनिक है उनकी जान खतरे में है, क्या उन्हें बचाया जा सकता है या नहीं जा सकता, उस मुद्दे को यहां पर कैसे समझना होगा। इसके संदर्भ में सबसे पहले हम पूरे इनके कतर के जो न्यायपालिका का जो पूरा सिस्टम है और यहां पर अपील करने का सिस्टम है उसको समझते हैं। देखिए कतर का जो जुडिशियल जो सिस्टम है ये भी तीन स्टेप में है जैसे भारत में देखने को मिलता है। पहला जो है लोअर कोर्ट होता है जिसे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कहा जाता है, दूसरा हाई कोर्ट होता है जिसे द अपील ऑफ कोर्ट कहा जाता है और तीसरा सुप्रीम कोर्ट होता है जिसे कोर्ट ऑफ कंसेशन यहां पर कहा जाता है। इसके साथ साथ कतर के जो अमीर होते हैं कभी कभी उन्हें आखिरी कोर्ट ऑफ यहां पर अपील भी की तरह कहा जाता है, जैसे हमारे यहां राष्ट्रपति होते हैं जो क्षमादान यहां पर कर सकते हैं और 18 दिसंबर को कतर के नेशनल डे पर वो कई लोगों की सजा को माफ करते हैं। तो एक मुद्दा यहां पर है, ये पूरा एक सिस्टम है जैसे हमारे यहां वैसे यहां पर भी है और इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो फर्स्ट अभी यहां पर लोअर कोर्ट ने सजा यहां पर सुनाई है। अब आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है? देखिए भारत की जो 8 पूर्वी नेवी अफसरों की जो मौत की सजा है वो किसके द्वारा दी गई है? अभी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंटेंस ने यहां पर सजा सुनाई है। अभी उनके पास अपील कोर्ट जो है और कोर्ट ऑफ कंसेशन और कतर के अमीर के पास यहां पर पुनर्विचार याचिका जो है अपील करने का यहां पर एक मौका है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि कहा जाता है कि कतर में संवेदनशील मामलों में लोअर कोर्ट दोषी पाए जाने के बाद सजा के पलटने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है और खासकर विदेशी नागरिकों को किसी भी तरीके की रियायत यहां पर नहीं मिलती है, जो कि एक बड़ा मुद्दा यहां पर देखने को मिलता है। ऐसा ही एक मामला नेपाल के अनिल चौधरी का है जो 2015 में कतर गए, 2017 में कतर के एक नागरिक की हत्या की और बिना किसी समीक्षा को उसने 2020 में देखा जाए तो कतर में ही गोली मार दी गई। भारत के पूर्व नेवी अफसरों के मामले में जरा सी ढिलाई देखा जाए, अगर होता है तो वो भी यहां पर जो मौत की सजा यहां पर फांसी की सजा दी गई है वो यहां पर उनको कह सकते हैं कि उनकी जान को एक तरीके से काफी बड़ा खतरा यहां पर बना हुआ है।
अब बात करते हैं कि क्या कैसे बचाया जा सकता है। इसको लेकर के देखिए तीन केसेस हैं जो इसको समझे अगर हम समझते हैं कि तीन केसेस को अगर हम समझते हैं तो भारतीय नौसैनिकों के पास क्या मुद्दा है, क्या कैसे बचाया जा सकता है, शायद यहां पर एक बेहतर उदाहरण हमारे पास मिलते हैं। पहला केस है 1990 का। यहां पर इराक में दो भारतीयों का अपहरण कर लिया गया और भारत सरकार के निवेदन पर कतर की शरिया अदालत के प्रमुख ने हस्तक्षेप किया और दोनों भारतीयों की यहां पर रिहाई कराई थी। इसी तरीके से दूसरा जो केस है 1997 में सऊदी अरब में ऑस्ट्रेलिया की नर्स की हत्या के आरोप में ब्रिटेन की दो नर्सों की मौत की सजा सुनाई गई और ब्रिटिश सरकार के दबाव के बाद सऊदी अरब सरकार ने नर्सों को यहां पर रिहा किया और ब्रिटेन भेज दिया। ऐसा एक मामला जो है मुसीबत में भारत अपने नागरिकों को देश वापस लाने के लिए जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है वो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। 1990-91 में देखें कुवैत में इराकी हमले के दौरान फंसे भारतीयों को निकालना हो या रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देखें फंसे छात्रों को यहाँ पर निकालना हो, तो हर तरीके से भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपने नागरिकों को लेकर के वो काफ़ी बेहतर रहा है और यहाँ पर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार पूरा जोर लगाएगी उन्हें बाहर निकालने के लिए। इसके साथ साथ यहां पर देखा जाए जो भारत और कतर के जो संबंध हैं उस पर भी हम नजर डालते हैं। तो कतर के साथ भारत के रिश्ते जो हैं नवंबर 2008 में देखें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा के बाद भारत और कतर के संबंध धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हुए। मार्च 2015 में देखें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने भारत की यात्रा की और 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर दोहा की यात्रा पर गए। इसके साथ साथ जो भारतीय विदेश मंत्री हैं जयशंकर भी अब तक यहां पर 3 बार कतर का दौरा कर चुके हैं जो भारत कतर के संबंधों को बढ़ते हुए यहां पर दिखाता है, तो इसका भी फायदा यहां पर उठाया जा सकता है और भारतीय नौसैनिकों को बचाने के प्रयास यहां पर किए जा सकते हैं। बात करते हैं कि भारत के पास विकल्प क्या है, तो 3 यहां पर विकल्प आपको देखने को मिलते हैं। 3 इन रास्तों को अगर हम अप्लाई करें तो यहां पर अप्लाई भारतीय नौसैनिकों को बचाया जा सकता है। पहला जो विकल्प यहां पर है भारत के पास जो 3 विकल्प की हम बात करते हैं, पहला है कि इस मामले में कतर के सबसे बेहतर कानूनी सहायता यहां पर भारतीय नौसैनिकों को मुहैया कराई जाए जिसे अपील कोर्ट मामला पहुंचे और अधिकारियों को डिफेंड किया जा सके और उन्हें यहां पर बेल दिलाई जा सके। दूसरा यह काम किया जा सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील करना, जासूसी मामले में पाकिस्तान के भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का जो केस था वो भी भारत यहां पर आईसीसी अर्थात की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ रही है और मौत की जो सजा यहां पर उनको सुनाई गई थी उनके खिलाफ यहां पर स्टे भी है। भारत इस फैसले के खिलाफ आईसीजे में अपील कर सकता है। 17 जुलाई 2019 को नीदरलैंड के द हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मौत की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को सजा पर पुनर्विचार के लिए देखा जाए तो कहा था, तो ऐसा ही मामला यहां पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा जो है कि सबसे जरूरी रास्ता है कि बैक चैनल के माध्यम से अर्थात कूटनीतिक तरीके से भारत अपने कतर भारत कतर के संबंधों को उसको आधार बनाकर इनको छुड़ाने का प्रयास किया जाए और भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के संदर्भ में कतर सरकार से यहां पर मदद ली जाए। इसके संदर्भ में पीएम नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप भी कर सकते हैं और कतर के अमीर से यहां पर बात करके इन अफसरों की रिहाई के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अंतिम दृष्टिकोण से कि कतर यहां पर जो है क्यों इतना ज्यादा यहां पर वर्तमान समय में देखा जाए कि स्थिति जो है लगातार वो एक अकड़ की बात की जाती है, क्यों इतना अमीर जो देश है वो लगातार इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन करता है, भारत से अच्छे संबंध होते हुए इस तरह की जानकारी क्यों नहीं साझा कर रहा है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। देख कतर जो है वो 12,000 वर्ग किलोमीटर फैला है और करीब 100 साल पहले यहां पर देखा जाए तो बसावट के लिए काबिल इसे नहीं माना जाता था, यहां ज्यादा लोग रहते नहीं थे और बड़ी संख्या में केवल मछुआरे और मोती चुनने वाले लोग हुआ करते थे जो घूम घूम कर यहां पर निवास करते थे। लेकिन 1939 में देखा जाए जब कतर में तेल का पहला भंडार खोजा गया इसके बाद यहां पर इसे कतर का ब्लैक गोल्ड कहा गया जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था जो होती है कतर की पूरी तरीके से यहां पर बदलनी शुरू हुई। 1950 में देखे तो यहां की आबादी सिर्फ 25,000 थी जो 1970 में देखा जाए तो बढ़कर यहां पर 1,00,000 हो गई और 1971 में देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व भी यहां पर कतर में मिला और इसके बाद ही कहानी यहां पर चेंज होती है। आज देखा जाए तो कतर जो है करीब 29,00,000 लोग हैं, 3,00,000 कतरी हैं, बाकी सभी प्रवासी हैं, इसमें 8,00,000 भारतीय हैं और भारत आने के वाले कुल पैसे में करीब विदेशी 6.5% यहां पर पैसा ये भेजते हैं। वर्तमान समय में बात करें तो प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से अमेरिका सऊदी अरब से ऊपर यहां पर कतर जो है दुनिया का 5वां देश है, तो पूरी जो कहानी है कतर की वो यही है और इस आधार पर भारतीय नौसैनिकों की रिहाई को लेकर भारत सरकार को त्वरित यहां पर कार्रवाई करनी होगी और कूटनीतिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के माध्यम से और साथ साथ यहां पर कतर के कानूनों के हिसाब से तीनों ही स्तरों पर प्रयास करके भारतीय नौसैनिकों को पूरा छुड़ाने का पूरा प्रयास करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर विश्लेषण करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।